सोशल मीडिया तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अज एक इतिहासक जित जी आम आदमी पार्टी की जलंधर बायपोल तो हुई है। सब तो पहला मैं जलंधर के सारे वासियों का हाथ जोड़ के असी सारे मिनिस्टर साहबान बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहते हैं। गे मेरे नाल ने मेरा छोटा भरा हरजोत बैंस जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके कंपेन की, और उस बाद कुलदीप धालीवाल जी, जिंपा साहब, ब्रह्मशंकर जिंपा जी, हरभजन सिंह ईटीओ साहबान, और मेरा सब तो छोटा भरा शशि रिंकू जी जिन्होंने बड़ी जानदार बड़े जोर ला के जबरदस्त तरीके मेहनत की पार्टी की जित जी जित जी पार्टी की झोली च पाई आ। आम आदमी पार्टी ने जो शशीर रिंकू जी ने चोन मैदान च उतारिया तो वख वख पार्टियां ने अपने लैवल के उत्ते बड़े दोष भी लाए, घटिया राजनीति करने की कोशिश भी की, पर लेकिन जलंधर वासियों ने प्यार सत्कार का सबूत दिता। जो गरंटियां आम आदमी पार्टी ने 2022 की इलेक्शन साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों दित्तियां सी, वो सारिया गरंटियां की करके जिहड़ियां असीं पूरियां कर रहे हैं उन्हां सारिया गरंटियां दे उत्ते पंजाब के लोगों ने खास करके जलंधर के लोगों ने मोहर लाई आ कि आम आदमी पार्टी का वादा सीगा कि 300 यूनिट असी मुफ्त इलैक्ट्रिसिटी देनी आ, वो वादा पूरा किया। उस गल नूं लैके लोगों च गए, लोगों ने उस फैसले की सलाह की, लोगों ने चर्चा की कि साडे घरां दे विच 300 यूनिट माफ होण दे नाल 4000 बच गया, 5000 बच गया। लोग कैलकुलेशन करते सीगे, लोग इस गल की चर्चा करते सीगे कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर महला क्लीनिक खोले सी उस तरह के महला क्लीनिक पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार खोल रही है। लगातार महला क्लीनिक पंजाब के अंदर खुले और लगभग 600 के करीब खुल चुके ने, उन्हां सारे ते मोहर जलंधर निवासियों ने लाई आ। स्कूल ऑफ एमिनेंस भरा साडा बैठा गया हरजोत, इन्हां दी सख्त मेहनत आ गई कि लगातार स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहे ने, अध्यापकों नूं ट्रेनिंग देने लई बाहर भेज रहे ने। हरभजन सिंह जी ईटीओ बैठे ने, लगातार लगातार यत्न कर रहे ने 300 यूनिट हरेक घर तक मुफ्त मिली। मेरा कहने का भाव साडे सारे साथी जिहड़े अज बैठे ने ये लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पिछले 13 महीनों तो पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दे लई मेहनत कर रहे ने। देश दे अंदर आम आदमी पार्टी दे विच साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की एक जोड़ी, एको शानदार जोड़ी जिहड़ी देश नूं नंबर एक देश बनाउणा चाहुंदी आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश दे अंदरों भ्रिष्टाचार का खात्मा चाहुंदी आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश दे हर एक बच्चे दे लई अच्छी विद्या चाहुंदी आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश दे अंदर किसी गरीब का किसी अमीर का अच्छा इलाज चाहुंदी आ। अज उस जोड़ी दीआं मैं समझदा कीतियां कोशिशां नूं अज बूर पिया कि आम आदमी पार्टी ने जलंधर की बाय इलैक्शन जिहड़ी आ वह वड्डे मार्जन दे नाल जित प्राप्त की आ। सो मैं सारिआं दा साढ़े एक वलंटियर तो लैके साढ़े सारे साथियों का जिन्होंने इस इलैक्शन के अंदर अपना पूरा जोर लाया, पूरा तन मन धन लाया, लगातार 24-24 घंटे रह के मेहनत की, लगातार पार्टी दी नीतियां घर घर पहुँचाया, उन्हां सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहना गा, सारे वलंटियर साथियों का धन्यवाद करना चाहना गा, और खास सब नूं मैं मुबारकबाद देना चाहना गा, जलंधर वासियों का धन्यवाद करना चाहना गा। और मैं समझना जी साडी जोड़ी आ अरविंद केजरीवाल जी ते सरदार भगवंत सिंह की जोड़ी जी इसे तरह आने वाले समय के काम करती रहेगी, और एक आने वाले समय के अंदर पार्टी जी जिथे दो राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ और दो राज्यों के असी आपोजिशन के आने वाली इलैक्शन के आम आदमी पार्टी जी एक बहुत बड़ा जिहड़ा प्रदर्शन आ देश के अंदर करूगी, वो नींह जी साडे छोटे भरा शशीर रिंकू जी ने जलंधर की बायपोल जित के ला दी आ कि देश की पार्लीमेंट के अंदर अकलौता साडा भरा जाके
पंजाब दे मुद्दियां दी गल, पंजाब दे लोकां दी गल, देश दे लोकां दी गल, देश दे पार्लीमेंट च उठाया करूंगा। मैं समझदा जदों साडा छोटा भरा बोलिया करूंगा तां जलंधर वासियां दा सिर जिहड़ा उह बड़ा उच्चा होया करूंगा। माण दे नाल कहणगे कि असीं भरा नूं जिताया सीगा, अज देश दी पार्लीमेंट दे विच बोल रहा, देश दी पार्लीमेंट दे विच पंजाब दी गल कर रहा, देश दी पार्लीमेंट दे विच हिंदुस्तान दी भारत दी गल कर रहा। सो अज इस जित दे लई कल्ला कल्ला जिहड़ा जलंधर वासी आ उह तहि दिलों दा बहुत बहुत धन्नवाद। कांग्रेस दा किला तोड़न दी कामयाब रहे हो? देखो पिछले पांच साल पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी दा राज रहा। कांग्रेस पार्टी ने एक भी वादा पंजाब दे अंदर पूरा नहीं किया, बल्कि पंजाब दे अंदर करप्शन का भ्रिष्टाचार का बोलबाला सीगा। सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार उस भ्रिष्टाचार को खत्म करने के लिए, लगातार उस करप्शन को खत्म करने के लिए आ साडे सारे साथियों को लैके जोरदार यत्न कर रहे हैं। भरा मेरे बैठे ने गे धालीवाल साहब, जिन्हां लोगों ने पंजाब की हजारा एकड़ जमीन दबी सी, ये कांग्रेसी भी छड़ा सकते सी, अकाली दल वाले भी छड़ा सकते सी, उन्होंने सरकार रही आ, ये साडे भरा ने छड़ाई आ, पूरी मेहनत दे नाल छड़ाई आ। हजारा एकड़ जिहड़ी जमीन आ पंजाब चों छड़ी गई छड़ाई गई है, तो मतलब की है कि वह पैसा सारा पंजाब के खजाने चाहूगा। देखो टर्निंग पॉइंट यह आ कि इतिहास के अंदर पहली सरकार आ जिन्हें काम करने शुरू किए ने, जिन्हें पहले तिना महीनों दौरान काम करने शुरू किए ने। नहीं पार्टियां आउंदियां सी, सरकार आउंदियां सीगियां, इतिहासक तौर पर सरकार आउंदियां रहियां नेगियां, वह चार साल बाद उस समय वो उदो सरकार अजे बनी सी, अजे सरकार बनी नूं मैं समझदा अजे तां साडे थोड़े जे 20 दिन 25 दिन भी पूरे नहीं हुए सीगे। हुण एक साल के दौरान असीं लामिसाल काम किए ने, जिन्हां गरंटियां दित्तियां सी गरंटियां पूरियां हो रहियां, लोगों नूं यकीन आ, और जिहड़ा यकीन आ अज मैं समझदा उहदा सबूत आ। जिन्नियां समस्यावां ने सारियां हल करनगे, साडा छोटा भरा बड़ा ताकतवर आ, बड़ा इंटैलीजेंट आ, बड़ा अगां वधू आ, सारे मसलें दा हल करूगा। जिम्मा साहब जो सिंह वल्लों बहुत कैंपेन कीती गई सी, बहुत सारे निशाने भ्रष्टाचार दे भी साधे गए सी। देखो जिहड़े बंदे कोई जेलां चों जेल कट के आया, कोई भ्रष्टाचार दे अंदर कट के आया, कोई लोगों नूं जेल चों कुट्टण दे अंदर कट के आया, वो लोगों नूं सोभा नहीं दित्ता सी कि कंपेन कर, उन्हां दा अपने किरदार की ने तुहाडे सामने हैगा। मेरा एक मिनट, मेरे छोटे भरा शशीर रिंकू जी थोड़ा जा प्लीज। सब तो पहला मैं जलंधर दे सारे ही वोटर साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइया तो धन्यवाद करना चाहना कि जिन्होंने एडा वड्डा फतवा जिहड़ा अज आम आदमी पार्टी के हक के विच दिता, और खास करके उन्हें अपने वलंटियर साथियों का, उन्हें लीडर साहबाना का, जिन्होंने दिन रात एक करके पार्टी के लिए कैंपेन की और पार्टी एक वड्डी जित दवाई, उन्हें सारे भरावान का सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। एक मिनट लट कंप्लीट कंप्लीट कर लो यार, आज तो सानू बोल लेना दो। जनता भी पसंद करती है, पार्टी भी पसंद करती है, और जो पार्टी ने अज मैनू ऐलानिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पार्टी की गरिमा उच्ची रखा, और लोगों के जोड़े काम है वो काम जोड़े असं पार्टी तो करवा के लैके देखो असं 11 महीनों का नहीं, असं तो अगले 5 साल का भी विजन नाल लैके चलांगे, क्योंकि 11 महीनों के जिहड़ी है चीज़ा रुकिया जलंधर दे विच, जलंधर दे विच एयरपोर्ट बंद पिया, जलंधर दे विच जलंधर दे विच सड़कां बंद पईयां, जलंधर दे विच सेंटर गवर्नमेंट दे जिहड़े प्रोजेक्ट आ वो बंद पए आ, स्मार्ट सिटी दे प्रोजेक्ट बंद पए आ, आदमपुर का फ्लाईओवर बंद पिया। सो मेरी प्रायोरिटी होएगी कि असी इन्हां कम्मां नूं जिहड़े बंद पए आ
इन्हों जल्दी शुरू करवा के लोगों को राहत दे सके। अच्छा विधानसभा देखा जो हरपाल जी कहते हैं कि पार्लीमेंट जाओगे तो बोलोगे तो माण होगा कि खास तैयारी करोगे क्योंकि पिछले जो विधानसभा होंगे अभी बहुत घट सुनते रहे। देखो गल है कि अज समस्यावां बहुत है जलंधर शहर में लैके और पंजाब में लैके, तो मेरी कोशिश होएगी कि केंद्र दे सरकार दे विच अपने शहर दे और पंजाब दे मुद्दे लैके जावां तां कि उन्हां दा जिहड़ा कोई वाजब हल है जिहड़ा असीं करवा सकदे। देखो कोआर्डीनेट है जिहड़ा उह तां जदों असीं जावांगे गल करांगे, कोआर्डीनेशन भी होएगी वख-वख डिपार्टमेंटां दे जिहड़े महकमे उन्हां नाल गल भी करांगे और जिहड़ी आवाज़ है लोक सभा दे विच वो अपने जलंधर की जरूर उठावा। देखो राहत नहीं, मैं समझना जिम्मेवारी जी होर वधिया साडा भरा गया गा, असीं सारे एकजुट होके इकट्ठे होके काम करांगे। सेंटर के अंदर शशीर रिंकू जी काम करनगे, देश की पार्लीमेंट के अंदर ये मुद्दे करनगे और जिहड़े स्टेट दे होणगे वो साडी सारी टीम बैठी आ, सरदार भगवंत सिंह जी बैठे ने, मान साहब बैठे ने, समुची साडी पार्टी दे उधर साहब बैठे ने, ये सारे असीं मिल के काम करांगे। मैं समझदा जिम्मेवारी हमेशा लगातार वधदी आ। देखो सारा कुछ नकारता उन्होंने हुण लोकां तों माफ़ी मंगनी चाहीदी आ, जिहड़ा झूठ बोलदे सी झूठ जिहड़ा हैगा वो रिजैक्ट होया गा, खत्म होया गा, सच दी आखर जित होई है। कला कला कर लिए वो मिल जूगा देखो सारे जिन्हें साडे विरोधियों ने आके इत्थे प्रचार किया जलंधर के निवासियों ने आ साडे छोटे भरा नूं जिता के देश की पार्लीमेंट च भेजता, इहदा जवाब जिहड़ा ओ दे देता। थैंक यू।